और यार ये क्या चक्कर है यार, सारे लोग जो उनसे बोटिंग कर रहे हैं और हमारी दफा जो उनसे पानी गह रहा है या फिर कोई और मसला हो जाता है। तो जल्दी से जाते हैं बोट के अंदर और बोटिंग करते हैं। मतलब दुनिया की सुनता है कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी मजे में है और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा है। सीन्स ऐसे हैं कि यार आज हमारा लास्ट डे शंग्रीला में, लास्ट डे और लास्ट व्यू में आपको चेक ना कराऊं ऐसा तो नहीं सकता। लास्ट व्यू चेक कर लो, इसके बाद आपको ये व्यू देखने को नहीं मिलेगा। खाली शंग्रीला के अंदर हमारा लास्ट डे है, इसके बाद हम लोगों ने जाना है एक और जगह पे, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको जाके व्यू चेक करवाएंगे। और मैंने लास्ट व्यू में आप लोगों को बोला था कि यार हम लोग जा रहे हैं 6 घंटे दूर एक ऐसी जगह पे जो कि आप लोग गैस करोगे कमेंट्स में, लेकिन बैड लक ये हुआ है कि यार वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होगी और हम आधे रास्ते से वापस आए हैं, यकीन मानो। और मेरा दिल इतना ज्यादा हैवी वाला खराब हो गया था ना, व्लॉग भी मेरा बढ़ गया था और मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने सारे क्लिप्स डिलीट कर दिए। मैंने कहा भाई ना एडिट करना है ना अपलोड करना है। खैर ये आज का हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, उसके बाद फाइनली आपका भाई नहीं नहीं करके आ गया, ठीक है। पूरे 6 पाव मैल उतरी आपके भाई के ऊपर से। और यार ये क्या चक्कर है यार, सारे लोग जो उनसे बोटिंग कर रहे हैं और हमारी दफा जो उनसे पानी गह रहा है या फिर कोई और मसला हो जाता है, ऐसी की तैसी है। जाते हैं रिसेप्शन पे, उसे बोलते हैं भाई बोटिंग करानी है तो करा, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है और बर्थडे वाले दिन तो मैं यहाँ पे था नहीं, तो उसे बोलते हैं आज हमारी बर्थडे भी है आज हमें बोटिंग करा। हमें नहीं पता, पावे मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देने हुए मैं दूंगा, बोलूंगा आज मुझे बोटिंग करा पास। यार अभी मैंने उनसे आके यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि यार हमारी कोई बोट फ्री नहीं है, तकरीबन 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट बाद आप आ जाना और आपको हम बोटिंग करा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़। बस यार आपके भाई का जो ना बोटिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बस अल्लाह करे आपका भाई डरे ना, ठीक है। क्योंकि जितनी इस लेक की गहराई बताई गई है ना, यकीन मानो अब सोच के डर लग रहा है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम बोटिंग लाजमी करेंगे। A few moments later. Finally, यार अभी 5 मिनट ही गुजरे थे, ठीक है। वो कहते हैं जी जैकेट पहनो, ठीक है, और आप हम कराते हैं बोटिंग इंशाल्लाह। तो जल्दी से जाते हैं बोट के अंदर और बोटिंग करते हैं। 40 फुट गहराई है, लोग तो कहते हैं बहुत ज्यादा है। ये जी अभी हम लेक का पूरा चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। आपसे मैंने एक क्वेश्चन करना है, आप हाथ छोड़ के चला सकते हैं? नहीं ना चला सकते, ये आगे नहीं ना जाएगी, ये उसी साइड पे जा रही है जहाँ पे एयर का लेवल है। यार ये तो बहुत आसान है, मैं 70 चला लेता हूँ हाथ छोड़ के, ये तो फिर बोट है। ये जी शंग्रीला के अंदर हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये चेक करें, पीछे से भी आपको सारा चेक करवाता हूँ। ये जी वो वाला जहाज है जिसका मैंने जिक्र किया काफी अपनी वीडियोस में, ठीक है। यहाँ पे ये अंदर रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है, लोग यहाँ पे आके खाना वगैरह खाते हैं। अच्छा ये जी हम लोगों का 1 राउंड कंप्लीट हो गया है और भाई थके नहीं है यार? नहीं। बाकी ये हमारा जो ना स्टॉप आ गया, जाके यहाँ पे रोकते हैं और फिर आपको इसका एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर करते हैं। चलें जी फाइनली बोटिंग कर ली हमने 10 दिनों बाद, और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया है। आज से पहले मैं करने का सोचा ही था, लेकिन बीच में डर इतना ज्यादा था ना कि यकीन मानो कि कर नहीं सकता था। लेकिन जब हमारी पब्लिक आ गई, पब्लिक को एक बात कह दिया तो करना ही करना है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो फिर बात गलत है ना, ये तो फिर तुम लोगों को गोली मारनी चाहिए डिस्प्रीन की। बाकी यार यहाँ से स्टार्ट हुई थी और उसने फुल राउंड जो ना हमें क्लियर कराया, वो फवारा भी क्रॉस करवाया था। फवारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमें कमेंट्स में लाजमी बताना, याद रहे कि गूगल नहीं करना, ऑनेस्टली बताना है। मुझे तो पता है क्या कहते हैं, लेकिन आप लोग बताओ, जिसने सही बताया ना उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नाम लूंगा। बाकी ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे लिखे हुए चेरी के 2-3 दरख्त, ठीक है, और चेरी ऑलमोस्ट तकरीबन 75-80% रेडी हो चुकी है। मतलब कि अगर उसे खाओ ना तो टेस्ट आता है, फील आती है कि यार चेरी, लेकिन बीच में उसका हल्का सा जो है ना कच्चापन है, जो कि 3 से 4 दिन में अगर यूं ही धूप रही ना तेज तो वो पक जाएगी, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जी चेरी का दरख्त है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ना 75-80% पक चुकी है, ठीक है, और बीच में से मैंने सही पक्की पक्की वाली निकाल ली है जिसके अंदर से हमें टेस्ट आएगा और फील आएगी। यार इन बेचारियों को मैंने जो है ना बड़ी बेदर्दी के साथ तोड़ा, ठीक है, ये 2 तो खुद ही उतर गई थी, लेकिन ये बहुत बेदर्दी से टूटी है, ठीक है। तो इसे हम खाते हैं, आपको फील बताते हैं कि कैसी फील आ रही है। मजेदार फील इस चेरी की ऐसे है ना, ऑलमोस्ट डन है, टोटली डन है, सेम फ्लेवर सेम सब कुछ, लेकिन होता ना इसके अंदर ये थोड़ी सी सख्त है। अब जो 2-3 दिन इन्हें धूप लगेगी ना, उससे ये होगा कि थोड़ी सी नरम आ जाएगी और बीच में थोड़ा सा मीठा पान आ जाएगा। और ये देखो ये मेरी चुमियाँ कर रहा है यहाँ पे आके, यार ये कौन था है? यार आपके भाई की कीड़े मकोड़ी चुमियाँ ले सकते हैं और तो कई, बस उम्मीद ही टूट गई है यार, यकीन मानो। चले यार फाइनली आज हमारा यहाँ पे लास्ट दिन था, ठीक है। मैंने कहा यार हाइकिंग करके ऊपर जाते हैं, तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है ऊपर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारे साथ हमारा एक भाई है, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो, क्या नाम है आपका? इरफान
इरफान नाम है, इसके साथ हम जा रहे हैं हाइकिंग करके ऊपर। ठीक है, ऊपर जाके आपको चेक कराते हैं जगह कितनी प्यारी है। इस रोड से आपको भाई ऊपर चढ़ के आया हाइकिंग करके, ठीक है, वो सामने लेक नजर आ रही है। अभी और ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है? 10 मिनट और ऊपर जाना, देखते हैं यार क्या बंदा हमारा। यार अभी आपका भाई ऊपर जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये व्यू चेक किया ना, मैंने कहा भाई शीशा पीते हैं, ठीक है, शीशा पीते हैं, चिल करते हैं, और व्यू आप लोग खुद चेक कर लो। नीचे वो लेक है, ठीक है, और यहाँ पे शीशा, और यहाँ पे बैठ के भी आपका भाई पिएगा। ये जी हमारे शीशे आ गए, ठीक है, बाकी ये आप व्यू चेक कर सकते हैं आगे। और ये भाई ना एक आपको वैरायटी दिखाएंगे, वैरायटी दिखा यार, वैरायटी दिखाने के कितने पैसे। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि तुझे हम हायर कर लेते हैं अपने शीशा कैफे में। बात तो सही है। वाओ बाहर हवा की वजह से वैरायटी नहीं दिखा सकता था, तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी हैवी वाली वैरायटी। ओए होए 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 जनान, पफ लेके फिर कर। ओए ये तो तूने क्या बना दिया था अभी यार, ये तो मुझे मेरी एक्स की याद आ गई है। समझ रहा हूँ ना। चलें यार फाइनली हम लोगों ने शीशा वगैरह पी लिया, ठीक है, फ्लैट में शीशा पीते हैं, कैफे में शीशा पीते हैं, लेकिन जो यहाँ पे चाय आई है ना, यकीन मानो बहुत ज्यादा हैवी वाली चाय आई है। बाकी चलते हैं नीचे, नीचे जाके अब देखते हैं। यहाँ से हम लोगों ने निकलना था लेकिन काफी टाइम हो गया, तो देखते हैं किसी और होटल में चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। हाय वे बाबा जी, फाइनली आपका भाई जोन सना रात को होटल में आ चुका था, ठीक है। इतनी ज्यादा देर हो गई थी हमें कि मुझे जोन सना नींद आ गई थी फुल हैवी वाली करके। नींद आने के बाद मैं सो गया, मैंने कहा यार सुबह ही व्लॉग शुरू एंड करेंगे। और यार लास्ट व्लॉग में मैंने काफी भाइयों को बताया था कि यार हम लोग 6 घंटे की ड्राइव करके जा रहे हैं। कई भाइयों ने सही गैस किया था, जिन्होंने गैस किया था वो दोबारा कमेंट कर दो, ताकि जिन भाइयों को हमारे को नहीं पता उन्हें भी पता चल जाए कि यार हम लोग किधर जा रहे हैं, 6 घंटे की ड्राइव करके जा रहे हैं। हिंट भी दे दिया तुम लोगों को यार। बाकी देख लो यार आपके लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते, वीडियो को सब्सक्राइब उल्टा हो गया यार, वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर ये तो कोई बात ना आई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, वो मिस कभी भी ना करना। वो वाला व्लॉग आप लोगों ने मिस कर दिया ना, यकीन मानो बिल्कुल स्कर्दू सीरीज की आपको चासी नहीं आएगी। बाकी ठीक है यार, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।